मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो पूरा 100% मान बना। ये किस बेस पे आके बोलता है इधर लोगों को कि ये मंदिर किस में है? म्यूटेशन, यस म्यूटेशन में, म्यूटेशन नहीं है वो, क्या बोलते हैं आपको, म्यूटेशन होता है इंतकाल, म्यूटेशन नंबर, म्यूटेशन बोलते हैं, म्यूटेशन नंबर बोलते हैं वो होता है इंतकाल, इंतकाल होता है जो 100% जमीन का मालिक होता है, ये वो है। आप इससे कंसर्न कर रहे हैं कि मैं खुद देख के आपके जिन जिन के अंतर सबके है मैं दूंगा सबके, ये पैसा खाना चाहते हैं, ये पैसा इन चीजों को मैं शोर कर रहा हूँ ना, इनके दलाल हमारे पीछे घूम रहे हैं कि आप आओ हमसे मिलो, क्यों मिले भाई हमारी जमीन नहीं है, अब ये इसी के शायद गया होगा रे, अभी केवल मेरे और डीसी के नाम पे अकाउंट खुलेगा और पैसा आप किसी के अकाउंट में आएगा, कोई रोड़ा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ जिसका इंतकाल है आप दो मुझे, मैं आपको कह रहा हूँ इसीलिए आपको बताया, बिल्कुल इजी आप लिस्ट बनाओ जिस जिसका इलाके आप एक काम करो, अवार्ड बनाओ इनसे आप अवार्ड लीजिए, बने तो सही, मुझे कोई देखने वाले बनाते हैं मेरा यानी तो थोड़ा ओकर बोरन खाओ इसको डर दे हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, उनसे क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहिंदर कुमार है, मैं पार्षद वार्ड नंबर 51 का हूँ और ये एरिया मेरी वार्ड में पड़ता है, ये इस बाढ़ का ये एरिया मेरे बाढ़ का एरिया पड़ता है फ्लोड़ा मोहल्ला, इसको बोलते हैं बीएसएस स्कूल के साथ है और साथ में ये अखनूर रोड के साथ चल रहा है। सर जहाँ पे आपने लोगों की बातें सुनी होगी, प्रॉब्लम तो जेन्युइन है लोगों की, सर एक्चुअली जहाँ पे पहले तो उन्होंने जो रोड का जो बनाया उन्होंने डीपीआर तैयार की, मेरे ख्याल से वो गलत की है उन्होंने, क्योंकि रोड के साथ ही मैंने देखा जम्मू जीवल से लेकर अखनूर तक जो भी रोड बना है बिल्कुल रोड साथ साथ बना हुआ जिसका इन्होंने बनाया हुआ जो फ्लाईओवर बनाया हुआ, इस फ्लोड़े में आके जब इन्होंने को पता नहीं क्या कहाँ क्या किया उन्होंने, जहाँ से इन्होंने डीपीआर चेंज करके इस मोहल्ले में ले आई, कम से कम जो 500 मीटर पे हमारा नेशनल हाईवे रह जाता है, जो 500 मीटर अंदर आके इन्होंने लोगों के मोहल्ले में जो आके इन्होंने डीपीआर तैयार की और इसको पास करवाया और रोड बनाना जहाँ पे शुरू किए आप, ठीक है रोड तो बनना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो रोड बनना है चाहे उस पर जब बनना है तो रोड बनना है, हमारे लोग भी सारे सहमत थे रोड बनने के लिए और लोगों के साथ मीटिंग भी हुई काफ़ी लोगों के साथ, जो पुराने हमारे जो इससे पहले एसडीएम साहब थे उन्होंने सभी ने आश्वासन दिया था कि हम रोड बनाने से पहले हम लोगों को पैसे देंगे, जो भी इनका जितना भी इनका पैसा बनेगा हम पूरा देंगे, अब हुआ क्या है सर रोड तो इनका बन रहा ना, किसी को इन्होंने पैसा दिया है और ज़मीनें लोगों की अपनी मालकी हैं यहाँ पे और ज़बरदस्ती आके जो भी यहाँ पे प्रशासन है वो आके इनको लोगों को धमकाता है आके और ज़बरदस्ती करता है इनके लोगों के मकान किताब ने देखोगे गिरा दिए हैं लोगों के और काफ़ी लोगों का नुकसान कर दिया इन्होंने, मैं भी चाहता हूँ कि प्रशासन के हम मेरी गवर्नर साहब से भी अपील है एलजी साहब के साथ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी गरीब बस्ती है लोग जो गरीब मोहल्ले में लोग हैं पहले इनको पैसे दिए जाए और फिर इसके बाद रोड बनाए, रोड के लिए कोई किसी ने मना नहीं किया कि रोड नहीं जहाँ पे जाना चाहिए, कम से कम लोगों के लिए रहने के लिए मकान तो होना चाहिए सर, छोटे छोटे बच्चे हैं ठीक है विडो लेडीज हैं और कहाँ जाएंगे ये लोग, अभी साहब आए हैं कोई मैंने सुना कि अभी इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे हम साहब आए हैं और उन्होंने इनके लोगों के मकान सारे तोड़ दिए हैं और इन्होंने एक्चुअली मोहल्ले वालों ने मैंने सुना कि इन्होंने सभी ने कोर्ट स्टे भी किया हुआ है और कोर्ट की वायलेशन करना वो भी मुझे लगता है कि गलत बात है, अगर कोर्ट में इनका केस चल रहा है ठीक है कोर्ट जो भी डिसीजन करता है तो उसके बाद प्रशासन जो करना चाहता कर सकता है, मैं चाहता हूँ पहले लोगों को पैसे मिलने चाहिए उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है हमसे करें,